सफाई कर्मचारी, चतुर्थ कर्मचारी और मालिका भी काम कराई जा रही है। भोजन माताओं से टॉयलेट तक साफ कराई जा रही है। कई स्कूल के टीचर भोजन माताओं से अपने विद्यालयों के साथ साथ घरों का भी काम करा है। तो हमारा कहना है कि सरकार जो है भोजन माताओं से बेगार करवा रही है, जो कि एक लोकतांत्रिक समाज में न्याय संगत नहीं बनता। तो हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए और अब तक जितनी भोजन माताओं को विद्यालय से निकाला गया उनकी तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। 26वें बच्चे पर दूसरी भोजन माता की जानी चाहिए और सभी भोजन माताओं को स्थायी कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा घोषित किया जाए।